आरएसए में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पुरस्कार, मतलब जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पद्म पुरस्कार के। तो अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इस बार, एक तो आपके पद्म भूषण दिया जाता है और एक पद्म श्री दिया जाता है। और जो दोस्तों आपके जो पद्म विभूषण है वो इस बार, मतलब हम चर्चा कर रहे हैं 2022 की। नेक्स्ट क्लास में हम 2023 में किन किन लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्लास में पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया है आपको देवेंद्र झांझड़िया को, और इनका संबंध है चूरू ज़िले से, और इनका खेल है जेवलिन थ्रो। और दूसरे हैं आपके राजीव महर्षि, यह जयपुर के CAG रह चुके हैं। ओके, और आपके जो पद्मश्री पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं एक तो अवनी लेखरा को, इनका संबंध है जयपुर ज़िले से और इनका खेल है शूटिंग, ठीक है। और यह हैं आपके रामदयाल शर्मा, इनका संबंध है नौटंकी से। रामदयाल शर्मा, इनका संबंध है नौटंकी से, रहने वाले भरतपुर के, ठीक है। और यह तीसरे हैं आपके चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, निर्देशक है ये सिरोही से। और ये हो गए आपके तीन। तो पद्म भूषण तो हो गए आपके देवेंद्र झांझड़िया, जेवेलियन थ्रो से इनका संबंध है और चूरू ज़िले के हैं, और ये आपके राजीव महर्षि। और यह हैं आपके अवनी लेखरा, इनका खेल है शूटिंग, इनका मतलब जयपुर ज़िले से संबंधित है, ठीक है। और यह हैं आपके दूसरे रामदयाल शर्मा, नौटंकी भरतपुर। चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, निर्देशक है सिरोही से, ठीक है। देवेंद्र झांझड़िया, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, रामदयाल, चंद्र प्रकाश, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यह आपके राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022, तो ये दिए गए हैं आपके 6 व्यक्तियों को, ठीक है। 6 व्यक्तियों में पहले हैं आपके दलवीर भंडारी, और इनका संबंध है जोधपुर ज़िले से, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज रह चुके हैं या अभी नियुक्त है, ठीक है। और यह हैं आपके दूसरे RM लोडा, इनका संबंध है जोधपुर ज़िले से, राजस्थान हाई कोर्ट के जज है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और यह है आपके सिनकाफ निज़ाम, सिनकाफ निज़ाम का संबंध है जोधपुर ज़िले से, जो ये है प्रसिद्ध शायर है आपके और कवि भी है, ठीक है। और यह है आपके जो चौथा व्यक्ति है वो लक्ष्मी निवास मित्तल, इनका संबंध है चूरू ज़िले से, स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, इसको तो आप जानते होंगे, है ना। और यह आपके केसी मालू, इनका संबंध है चूरू ज़िले से, लोक संगीत को बढ़ावा दिया और वीणा कैसेट से इनका संबंध है। वीणा कैसेट्स का आपने नाम तो सुना होगा, बस ये उसी के हैं। छठे हैं आपके अनिल अग्रवाल, इनका संबंध है सीकर ज़िले से, और यह वेदांता ग्रुप के संस्थापक हैं, ठीक है। 6 हो गए आपके राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 के 6 व्यक्ति हो गए। पहला है आपके दलवीर भंडारी, RM लोडा, सिनकाफ निज़ाम, लक्ष्मी निवास मित्तल और KC मालू और अनिल अग्रवाल। आप देखेंगे तो ये तीन तो आपके जोधपुर के हैं, और ये दो आपके चूरू के हैं, और ये आपके सीकर के हैं, ठीक है, हो गया यार। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है आपके राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022, जो इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रस्थान गांधीवादियों को यह पुरस्कार दिया गया है, मतलब 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो लो देखते हैं आगे, मतलब वो 5 व्यक्ति कौन है। तो पहले हैं आपके श्री SN सुब्बाराव मरणोपरांत, इनको मरणोपरांत दिया गया है सुब्बाराव को, श्री SN सुब्बाराव इनका पूरा नाम है, ठीक है। दूसरे हैं आपके नेमीचंद भाऊक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, इनका संबंध है जोधपुर ज़िले से, ठीक है। तीसरे हैं आपके श्री कुमार प्रशांत। चौथे हैं आपके अमरनाथ भाई, और पांचवे हैं आपके DR मेहता, और इनका संबंध है जयपुर ज़िले से, ठीक है। और नई बार शुरू से देखते हैं, श्री SN सुब्बाराव, नेमीचंद भाऊ, श्री कुमार प्रशांत, अमरनाथ भाई, DR मेहता। सुब्बाराव, नेमीचंद, प्रशांत, अमरनाथ, DR मेहता, ठीक है, याद हो गया। और ये DR मेहता का संबंध है जयपुर ज़िले से, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये आपके बिहारी पुरस्कार, जो ये बिहारी पुरस्कार है ये KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं,
और जब ये 31वां दिया गया था मधु कांकरिया को, उनकी रचना थी हम यहाँ थे, तब ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया था, तो मतलब ये उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अब आपका 32वां दिया गया है डॉक्टर माधवन हाड़ा को, तो ये आपको बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके इस तरह इस प्रकार से, तो मतलब आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है। और इनकी रचना है पचरंग चोला पैरसकिरी, तो ये तो मोस्ट है, याद करना ही आपको। और जो दोस्तों मतलब आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है राइट एंगल क्लासेस, ठीक है। वहाँ पे जो चैनल फर्स्ट पे आएगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और आगे भविष्य में अगर हमारी कोई भी क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको YouTube से मिलेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दबा दीजिए, ताकि आपको तब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच चुके, ठीक है। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अब आपके अगला अवार्ड है मथुरा दास माथुर अवार्ड, ये किससे नंबर के दिए गए हैं, 29वें नंबर के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपके 3 वर्ग में दिए जाते हैं, पहला आपके सीनियर वर्ग, दूसरा है जूनियर वर्ग, तीसरा है सब जूनियर वर्ग। तो आपके जो सीनियर वर्ग में दिया गया है ये दिया गया है अनिकेत चौधरी को, और जो जूनियर वर्ग में दिया गया है अनिरुद्ध सिंह को, ठीक है। और आपके सब जूनियर वर्ग में दिया गया है रोहन राजभर को, ठीक है, याद रखना मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। देख लो यहाँ से एक ना मतलब इस क्लास में आपको एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर एक हर एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आप इस क्लास की या तो नोट्स बना लें, या आपको PDF मिलेगी, PDF डाउनलोड करके आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं। चले नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये तो आपको याद हो गया, सीनियर में अनिकेत चौधरी, जूनियर में अनिरुद्ध सिंह, और सब जूनियर में हैं आपके रोहन राजभर, ठीक है। ये थे आपके मथुरा दास माथुर अवार्ड जो 29वें नंबर के दिए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यह है आपके राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022, इसके अंदर आपको मतलब इसके अंदर दिए गए हैं श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधुराम को, और इनका संबंध है जैसलमेर ज़िले से, ठीक है। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधुराम जैसलमेर, ठीक है, इनका संबंध है जैसलमेर ज़िले से। और जो हस्तशिल्प रत्न अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है राम स्वरूप शर्मा को, इनका संबंध है जयपुर ज़िले से, ठीक है। श्रेष्ठ बुनकर अवार्ड माधुराम, हस्तशिल्प रत्न अवार्ड राम स्वरूप शर्मा, ठीक है। ये दिए गए हैं आपके राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें है आपके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, ये कितने लोगों को दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 2 लोगों को, ठीक है। इसमें आपके पहले हैं दुर्गाराम मुवाल, इनका संबंध है उदयपुर ज़िले से, और आपके दूसरे हैं सुनीता, इनका संबंध है बीकानेर ज़िले से, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वैसे ही हमारी पूरी क्लास ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक जो मतलब हर एक पॉइंट बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये दिए गए हैं 2021 के, ठीक है, दिए गए हैं 2 लोगों को। पहले हैं आपके अवनी लेखरा, दूसरे हैं कृष्णा नागर। जो अवनी लेखरा है यह है जयपुर ज़िले की, और जो आपके कृष्णा नागर है यह भी है, इनका संबंध है जयपुर ज़िले से। जो आपके अवनी लेखरा है इनका संबंध है, इनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी आपके अवनी लेखरा ही है। और जो इनका जो खेल है यह है खेल इनकी शूटिंग, ठीक है, याद कर लेना, ये तो बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपके कृष्णा नगर इन और इनका संबंध जयपुर ज़िले से, उनका खेल है बैडमिंटन, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यह है आपके नारी शक्ति पुरस्कार, ये दिए गए हैं बतूल बेगम को, यह है आपके जयपुर की मांड गायिका, ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 बतूल बेगम जयपुर की मांड गायिका है, ठीक है। यह है आपके कोमल कोटारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं,
पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये जो मतलब जो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 है, ये दिए गए हैं आपको विजय शर्मा को और ये डॉक्टर प्रकाश खड़गे को। जो ये विजय वर्मा है इनका संबंध है राजस्थान से, और जो ये डॉक्टर प्रकाश खड़गे हैं इनका संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है। याद कर लेना, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। वैसे ही वैसे हमारे सारे क्वेश्चन जो आपने मतलब आपने जो इस क्लास में जो जो भी पॉइंट पढ़े वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप या तो एक अलग से कॉपी बना लें, उसमें आप नोट्स बना लें, ठीक है। आपको वैसे मैंने इस क्लास में बताई दिया, आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है राइट एंगल क्लासेस, वहाँ पर आपको इस मतलब जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्लास होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम में मतलब सीधे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, तो ऐसी क्लासेस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।